ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 9 नवंबर 2020, सोमवार का दिन है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। मघा नामक नक्षत्र होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर के यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रमा जो कि सिंह राशि में, मंगल ग्रह मीन राशि में, बुध राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन, ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान के साथ साथ पद प्रतिष्ठा का भी योग बन रहा है। कर्क क्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी और जो भी काम करेंगे उसमें अच्छा फायदा इनको हो सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आप अपने अंदर भरपूर विश्वास व ऊर्जा महसूस करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तथा अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का आप प्रयास करेंगे। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर जाने की योजना बन सकती है तथा समय मनोरंजन और हंसी खुशी में व्यतीत होगा। खर्चों की अधिकता होगी जिसके कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में लाल फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके रुके हुए शासकीय कार्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरे हो जाएंगे, इसलिए प्रयास निरंतर करते रहे और साथ ही बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा और आप श्रेष्ठ पिता साबित होंगे या अभिभावक साबित होंगे। किसी संबंधी या पड़ोसी के साथ में किसी का वाद विवाद हो सकता है, इसलिए ऐसे विवादों से और इस प्रकार की चर्चाओं में ज़्यादा तूल न देना चाहिए। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। धन संबंधी कार्यों को भी करने से पहले अच्छी प्रकार से उनका अध्ययन अवश्य करें और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में बिल्व पत्र चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है तथा खुशी भरा वातावरण व्याप्त होगा। घर के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निष्ठा से निर्वहन करेंगे। बड़े बुजुर्गों का भी स्नेह और आशीर्वाद आपके लिए बना रहेगा। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई नकारात्मक बात अचानक उठने से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा कि धैर्य और संयम से परिस्थितियों को शांत रखने का प्रयास करें। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति अवश्य ध्यान दें। व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ववत रहेगी, परंतु अपने स्वभाव को नियंत्रित रखना अति आवश्यक होगा। जल्दबाजी और गुस्से से आपके काम बिगड़ सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप भोजन के साथ कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कुछ समय से चली आ रही गतिविधियों को आप अपनी लगन तथा मेहनत से पूर्ण कर पाएंगे। धार्मिक कार्य में आपकी सहभागिता रहेगी। युवा वर्ग को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होने से गर्व महसूस होगा। स्थायी संपत्ति के विवाद जो चल रहे हैं उनमें कोई न कोई समाधान आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा और किसी व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात होगी जो कि आगे चलकर के आपको बहुत अधिक फायदा देगी। उपाय के रूप में यदि आप चावल का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका कैसरिया होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था व रुझान बढ़ेगा जिससे अधिकतम कार्य आपके समय पर पूरे हो जाएंगे।
बड़े नुकसान की आशंका बन सकती है, इसलिए लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई नज़दीकी व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। कार्यक्षेत्र में आंतरिक रखरखाव तथा नवीनीकरण जैसी योजना बनेगी और अपने कार्यक्षेत्र में आप परिवर्तन भी कर सकते हैं या नई नौकरी की तलाश में भी आप रहेंगे। उपाय के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी परिस्थिति में ऊर्जावान व मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाकर रखेगा। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी संबंधी कोई वाद विवाद या चर्चा चल रही है तो उसे हल करने के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। आज अपने स्वभाव में भावुकता अधिक रहेगी, जिसकी वजह से कुछ लोग आपका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। किसी से ज़्यादा उम्मीद न रखें, बल्कि अपने काम स्वयं ही निपटाने की कोशिश करें। व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट न करें। कार्यक्षेत्र में भावुकता के बजाय प्रैक्टिकल तरीके से आपको काम करना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कुछ समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के आज बेहतर परिणाम या सुधार आपको महसूस होगा तथा अब अपनी ऊर्जा को पुनः जो है क्रियान्वित कर पाएंगे और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, परंतु व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरते। अपने काम के बोझ को दूसरों के साथ बांटने से आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के साथ लापरवाही करके किसी प्रकार का जो है खिलवाड़ न करें। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। नया काम, नई जिम्मेदारी, नया वाहन और नया सामान खरीदने के बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। इससे आपके कार्य काफ़ी सुगमता से संपन्न हो जाएंगे। व्यस्तता के बावजूद अपने मित्रों व रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाकर रखें। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ जो है आपकी मुलाकात व चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चलकर आपको ही फायदा देगी। और उपाय के रूप में यदि आप गणेश जी के मंदिर में बेसन से बनी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। घर या कार्य संबंधी स्थान में परिवर्तन की योजना बन रही है। आज उस योजना को क्रियान्वित करने का आप प्रयास करेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज काफ़ी समय से रुके हुए व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में भी आपका समय व्यतीत होगा। ध्यान रखिए कि अपने अंदर अहंकार और ईगो की भावना बिल्कुल भी उत्पन्न न हो। सहज, सरल व विनम्र तरीके से जो काम आपके हो जाएंगे उनका कहना ही क्या है। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में केला चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कुछ समय से आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसका उचित परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। आज जो भी धार्मिक तथा सामाजिक या आध्यात्मिक गतिविधियां रहेगी उनमें आपका विशेष योगदान रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी काम जो अधूरे हैं वह पूर्ण हो जाएंगे। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज किसी रिश्तेदार की समस्या को सुलझाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और आपका सकारात्मक निर्णय काबिले तारीफ होगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में आस्था बढ़ेगी। आपकी मनोवृत्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने महत्वपूर्ण कामों को उचित रूप से संपन्न कर सकते हैं। रिस्क यदि लेंगे तो आपको अधिक फायदा हो सकता है। और उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। समय आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह आपको फायदा ही देगा।
समय का भरपूर सदुपयोग करें। धन का निवेश करने के लिए उचित समय है। प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त हो सकती है। कुछ समय अपने व्यवहार में धैर्य व संयम हेतु आत्म अवलोकन में व्यतीत करें, क्योंकि अकारण गुस्सा व जल्दबाजी की वजह से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद बेसन से बनी मिठाई खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।